नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकल समीकरण का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था अवकल समीकरण के विशिष्ट एवं व्यापक हल के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। दोस्तों, इस शीर्षक को समझने के लिए हम पहले एक उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या दर्शा रहा है? ये इक्वेशन दर्शा रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन है, जिससे कि हमें ये पता लग रहा है कि उसका जो सेंटर है वो 0 0 अर्थात ओरिजिन पे है और उसका जो रेडियस है वो एक कांस्टेंट आर है। सिमिलरली, अगर आपको एक इक्वेशन दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू स्क्वायर, इससे आपको क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर भी जो हमारा ये जो सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन पर है और उसका जो रेडियस है वो 2 यूनिट का है। सिमिलरली, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मिले, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये जो सर्कल होगा इसका जो रेडियस होगा वो 5 यूनिट का होगा। सिमिलरली, अगर आपको आर की जगह पर अब 7 लिखा मिले तो उसका रेडियस हो जाएगा 7 यूनिट और उसका जो सेंटर होगा सर्कल का वो ओरिजिन पर होगा। अब जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के सर्कल्स मिलते जाएंगे, अर्थात कंसेंट्रिक सर्कल मिलते जाएंगे, जहां पर इन सभी का सेंटर तो ओरिजिन पर रहेगा पर इनकी जो रेडियस की वैल्यूज हैं वो डिफर कर रही हैं। तो दोस्तों, ये जो इक्वेशंस आ रहे हैं ये सभी कांस्टेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हमें कोई एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिससे कि हम उसमें ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक जनरल फॉर्म फाइंड करें जो कि हमारे सभी कंसेंट्रिक सर्कल पर सेटिस्फाई करे, अर्थात वैसा इक्वेशन हम फाइंड करना चाहते हैं जो कि हमारे सर्कल के सभी मेंबर ऑफ द फैमिली को सेटिस्फाई करे। तो दोस्तों, ऐसा इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर हम हमारा जो इक्वेशन है उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो आर से फ्री हो जाए। अब जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा 2x plus 2y dy upon dx is equals to 0, जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x plus y dy upon dx is equals to 0। तो दोस्तों, यही वो इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स को, यानी कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन होगा वो हर तरह के मेंबर्स ऑफ सर्कल के लिए ट्रू होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सर्कल की फैमिली के लिए ये जो सोल्यूशन है ये उनका एक जनरल सोल्यूशन है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में आपको यही ज्ञात करना है, एक जनरल सोल्यूशन ज्ञात करना है आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, कह सकते हैं आप। इसी प्रकार से आप चाहें तो हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, इन सभी के फैमिली का ऐसा इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जो कि सभी मेंबर्स को सेटिस्फाई करे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमें इसमें करना क्या है। सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया है, वक्रों के कुल y बराबर mx को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए जबकि m एक स्वेच्छ अचर है। यानी कि यहाँ पर हमें एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जो कि सभी कर्व्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करे। आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर हमें पूरे फैमिली का रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें इसे सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए, हमारा जो गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स, इसे हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड से। तो जब हम यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू m। अब जब हम ये m की वैल्यू हमारे गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये मिलेगा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx मल्टीप्लाइड बाय x, जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा
dy अपॉन dx x माइनस y इज इक्वल टू जीरो। और यही जो इक्वेशन हमारा आया है ये है हमारे सभी पैरामीटर्स से फ्री। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि यही है हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात अवकल समीकरण जो कि हम चाहते थे कि हमारे जो वक्रों के कुल है उसको निरूपित करे। तो दोस्तों इसी तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे हमारी गिवन इक्वेशन का। आइए बढ़ते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर, जो कि है वक्रों के कुल y बराबर a साइन x प्लस b, जिसमें a b स्वेच्छ अचर है, को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास जो कर्व दिया गया है वो है y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b, जिसका कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जो कि इस कर्व के सभी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पर a और b जो है वो है हमारा आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा उतने टाइम्स तक जिससे कि हमें उसका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो हट जाए जिस स्टेप में जाकर। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर भी हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू a cos x प्लस b। अब यहाँ पर हमारे फर्स्ट डिफरेंशिएशन में ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हटा है, तो हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। अब जब आप यहाँ पर इसे लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वाई। यानी कि आपकी जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू आई है वो माइनस वाई के बराबर है। और जब आप इस y को दूसरे साइड ले जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा एक इक्वेशन के फॉर्म में, जो कि होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। और ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री है, यानी कि यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट करेगा इस गिवन कर्व के फैमिलीज को। तो दोस्तों इसी तरह से हम ज्ञात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां x अक्ष पर है तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। यानी कि अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है एलिप्स की फैमिली का, जिसका की फोकस है x एक्सिस पर और उसका ओरिजिन जो है वो सेंटर पर है। आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों सेम प्रोसीजर जिस तरह से अभी तक हमने किया था वही प्रोसीजर हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। तो जो इक्वेशन होता है एलिप्स का वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जब हम 2y अपॉन b स्क्वायर dy अपॉन dx को दूसरे साइड भेजेंगे तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2y अपॉन b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx। यहाँ से हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू वाई अपॉन टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी, अब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा वाई अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कुछ इस तरह के रूप में, जो कि है xy मल्टीप्लाइड बाय d2y अपॉन dx2 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx स्क्वायर माइनस y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। और यही जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है ये आपके सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री है, यानी कि यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एलिप्स के फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका कि फोकस एक्स एक्सिस पर होगा और उसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पर होगा।
यहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेशन में ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से हम उसे दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कराने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है सर्कल की फैमिली का, जो कि x एक्सिस को टच कर रही है ओरिजिन पर। आइए देखते हैं कि इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेंगे कि वो जो कोऑर्डिनेट है जो कि x एक्सिस पर टच कर रहा है ओरिजिन को, वो हो जाएगा 0, a। अर्थात यहाँ पर हम मान लेंगे कि x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल को c से निर्दिष्ट किया जाता है। 0, 1 उस कुल के किसी सदस्य के केंद्र के बिंदु के निर्देशांक है। दोस्तों, इस प्रश्न में जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि हमें सबसे पहले उसका कोऑर्डिनेट देखना होगा कि किस प्रकार से हम वो यहाँ पर ज्ञात कर पा रहे हैं कि जो सर्कल है उसका जो ओरिजिन है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, a। अब जब उसका कोऑर्डिनेट 0, a हो जाएगा तो यहाँ से हमारे जो सर्कल की इक्वेशन बनती है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। यहाँ पर a है हमारा आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन डिफरेंशियल ज्ञात करने के लिए इस a को यहाँ से हटाना होगा, और इस a को यहाँ से हटाने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों, जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 2x plus 2y dy upon dx is equals to 2a dy upon dx। यहाँ से जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा x plus y dy upon dx is equals to a dy upon dx, जहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी x plus y dy upon dx upon dy upon dx। अब जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है तो चलिए अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं हमारी गिवन इक्वेशन में, और जब हम इसे हमारी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई dy अपॉन dx अपॉन dy बाय dx, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा dy अपॉन dx मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर dy अपॉन dx, जहाँ से हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ रही है 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और दोस्तों, यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमारे सर्कल की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है जिसका कि मूल बिंदु x अक्ष को टच कर रहा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इतनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उससे हमारा पूरा इक्वेशन बदल सकता है। तो यहाँ पर आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें कि आखिर प्रश्न कह क्या रहा है और किस प्रकार से आप फिर उसका अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आधारित और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएगा, जिसे आप जरूर हल करें। और इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। हमारे आज के इस वीडियो में हमने सीखा दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां। धन्यवाद।